भगवान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब सीजन जो है नई पौध खरीदने का है, यानी अगले सीजन के लिए जो नई प्लांटेशन आपने करनी है, जो नए पौधे आपने लगाने हैं, तो पौधा लगाने से पहले, पौधा खरीदने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, किस तरह से चूज किया जाए, किस तरह से बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल का चुनाव किया जाए। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कैसे बेस्ट मटेरियल जो है हमें खरीदना चाहिए। सबसे पहले हमारी जेब हमें क्या अलाउ करती है, सबसे पहले हमने ये देखना है, यानी मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हूँ और मेरा जो बजट है इस बार जो पौधे मैंने लगाने हैं, जो ऑर्चर्ड मैंने तैयार करना है, मेरा बजट कितना है, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए मुझे एक बीघा में पौधे लगाने हैं और एक बीघा में मैं 100 प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो 100 प्लांट के लिए मेरा बजट यदि 30,000 है, यदि मेरे पास 30,000 रुपये है पौधा खरीदने के लिए, उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है, चाहे गड्ढा बनाना है, चाहे उसमें मैन्यूल डालना है, चाहे मल्चिंग करना है, चाहे फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या कोई और इरिगेशन सिस्टम हम उसमें इंस्टॉल करना चाहते हों, हम ट्रेलिस लगाना चाहते हैं या नेटिंग स्ट्रक्चर हम लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अलग है, खाली प्लांट खरीदने की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास 30,000 रुपये का बजट है 100 पौधों के लिए, तो मैं सबसे अच्छा पौधा खरीदूंगा, यानी कोशिश रहेगी कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लांट है वो मैं ले पाऊं, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड प्लांट अगर है, नर्सरी से ही अगर पौधे की हाइट पूरी हो चुकी है, उसमें फेदर्स निकल चुके हैं, उसकी थिकनेस अच्छी है, उसका रूट सिस्टम बढ़िया है, तो वो मेरा समय बचाएगा, यानी कि जो 2 या 3 साल मुझे उस प्लांट को बनाने में, उस प्लांट की कैनोपी को बनाने में लगेंगे, वो 3 साल मेरे बच जाएंगे, और जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो समय की है, और यूं कहें कि समय की कीमत कोई नहीं दे सकता है। तो मेरे सामने एक इसी तरह का पौधा है जो मेरी चॉइस है। ये पौधा लगभग 8 फीट या 8.5 फीट का है, ये इसकी हाइट है, और इसके अगर रूट्स की बात करें, आपको पौधा लेते हुए जड़ें ज़रूर देखनी चाहिए। रूट्स जो हैं, जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतना अच्छा है। इसमें आप देखें चारों तरफ से बराबर रूट्स हैं, थोक में जड़ें हैं, और ये जो सपोर्टिंग रूट्स हैं, ये सपोर्टिंग रूट्स होती है, हमारे बागवान भाई जो हैं सपोर्टिंग रूट को ही ध्यान में रखते हैं और इसी को देख करके पौधा लेते हैं। ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग रूट के ऊपर ये फीडिंग रूट्स हैं, तो ये मिनरल्स अपटेक करने वाली जड़ें हैं, ये जड़ें जो है, ये मिनरल्स अपटेक करने वाली जड़ें, ये फीडिंग रूट्स, ये भोजन एकत्र करने वाली जड़ें, इनकी संख्या पौधे में इस रूट सिस्टम के अंदर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। तो ये देखें आप, इसका रूट सिस्टम एकदम सही है, कोई बीमारी नीचे नहीं है, बिल्कुल साफ जड़ें हैं, प्लांट एकदम स्ट्रेट और सीधा है, प्लांट की थिकनेस आप देखें तो अंगूठे से मोटा जो है इसका तना अभी है, और इसके अलावा इस पौधे के फेदर्स आप देखें, फेदर्स तो ये जो है वेल एस्टेब्लिश्ड फेदर है, लगभग 2.5 फीट जो है इसके एक फेदर की लंबाई है, और एक फेदर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कुल मिलाकर के 6 फेदर हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फेदर्स हैं वो घुटने से नीचे अगर हैं, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया पौधा मैंने ले लिया, इसमें तो 10 फेदर है, लेकिन 10 में से 8 फेदर यदि घुटने से नीचे है तो वो तो आपको काटने पड़ेंगे पौधा लगाते ही। इसलिए आप यहाँ देखें, यहाँ क्या है, ये पहला फेदर जो है, पहली ब्रांच जो है वो घुटने से ऊपर है, यानी लगभग 30 इंच पर पहली शाखा है, और हमें चाहिए ही इतनी है, 30 इंच पर पहली शाखा अगर है तो वो बेस्ट है, इससे नीचे अगर होगी तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये भी आपने ध्यान देना है। तो वेल एस्टेब्लिश फेदर्स ठीक जगह पर, कोई हमें रिमूव नहीं करना है, और इसके सेंट्रल लीडर की बात करें तो ऊपर भी हमें फेदर्स मिल रहे हैं, हालांकि ये भी फेदर्स हैं। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं कि, चलिए प्रूनिंग बाद में करेंगे, बजट अगर मेरा 300 नहीं है, बजट मेरा अगर एक बीघा के लिए 30,000 नहीं है, अगर मेरा कम बजट है, तो मैं क्या करूं, तो मुझे
इससे कम फेदर वाला प्लांट मान लीजिए, अगर 200 पर प्लांट का मेरा बजट है, 20,000 रुपए मेरे पास है, तो मैं इससे कम फेदर वाला प्लांट लूंगा, यानी थोड़े कम जिसमें फेदर होंगे। नर्सरी में अगर मैं इधर उधर नजर मारूं तो लगभग इस तरह का प्लांट, ये मैं ये प्लांट लूंगा जो मुझे 200 रुपए में मिले, और इस तरह के प्लांट को मैं अपने ऑर्चर्ड में लगाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ खाली ऊपर का नहीं, इसका भी रूट सिस्टम मैं एक बार जरूर जांचूंगा, रूट सिस्टम उसका भी अच्छा होना चाहिए। और इससे भी अगर कम बजट है तो मैं विप प्लांट लूंगा जिसमें कोई फेदर नहीं होंगे, उसमें फेदर मैंने खुद बनाने हैं। मैं प्लांट की ट्रेनिंग और प्रूनिंग इस तरह से करूंगा कि उसमें फेदर्स बने, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वो ज़रूर है। हमें जहाँ इसमें बने बनाए फेदर्स मिलते हैं, पौधा प्री एस्टेब्लिश्ड मिलता है नर्सरी से ही, लेकिन विप प्लांट में हमको मेहनत करनी होती है, हमें 2 साल लगते हैं, फिर उसमें भी इसी तरह के फेदर बनते हैं, और हो सकता है इससे भी अच्छे फेदर्स आप बना पाएं अगर आपको प्रूनिंग और ट्रेनिंग सही आती है, अगर आप न्यूट्रेंट्स पौधे को सही समय पर देते हैं, अगर आप खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करते हैं, सिंचाई, पौधे को पानी की जरूरत होती है, पानी भी अगर पौधे को आप समय समय पर देते हैं, तो कुल मिला के यूं कहें कि पौधे की देखभाल अगर आप अपने बच्चों की तरह करेंगे तो पौधा आपको जल्दी फल देगा, पौधे की कैनोपी जल्दी बनेगी और पौधा आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी आपको देगा, जिससे कि आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर हम प्रूनिंग की बात करें, आप प्रूनिंग की बात करते हैं, कैंची देना। प्रूनिंग जब हम पौधा लेते हैं तो हमें पौधे की प्रूनिंग भी करनी होती है। तो जब हम पौधे की प्रूनिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं क्या करते हैं। पिछली बार की मैं आपको अगर बात सुनाऊं, मेरा एक कजन पौधे ले गया मुझसे, 100 पौधों की हाइट लगभग 8-8.5 फीट थी, पौधे लेकर के वो गया, और 6-8 महीने के बाद मेरे पिताजी को, उसके पिताजी ने कहा कि यार जितेंद्र ने मेरे को पौधे दिए वो तो होगी नहीं, पता नहीं कहाँ पौधे दिए, पता नहीं क्या पौधे दिए, इतने जैसे हो गए 3-4 इंच। तो मैं उन पौधों को देखता था, क्योंकि जब भी मैं घर से आता था तो उसमें नीचे ऊपर की तरफ को रोड साइड पे ही वो पौधे लगे हुए थे, उनकी जो प्रूनिंग है उसने क्या किया, ऊपर टॉप पे क्लिक किया खाली, यानी 2-3 इंच का उसने ऊपर कट मारा, जिसकी वजह से रूट शूट का जो रेशियो बनना चाहिए वो नहीं बन पाया, वो बिगड़ गया, नीचे से रूट सिस्टम कम और कैनोपी ज़्यादा बड़ी। तो जितना कैनोपी को मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उतने मिनरल्स वो रूट सिस्टम अपटेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्लांट पहले ही मंथ में, यानी बड ब्रेकिंग के तुरंत बाद स्ट्रेस में चला गया, और शुरुआती दिनों में ही प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाया, और फिर सेकेंड ईयर में उसने जो है उसको नीचे से जब काटा तो अब इस बार प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मतलब ये है कि जब आप पौधा लगाते हैं, आपने प्लांटिंग मटेरियल अच्छा ले लिया, लेकिन पौधा लगाते हुए आपको उसकी प्रूनिंग कैसे करनी वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ प्रूनिंग कैसे करनी। अगर मैं ये फेदर प्लांट ले रहा हूँ और इसकी मैं प्लांटिंग करता हूँ, ये मैंने पौधा लगाया, तो अब मैं क्या करूँगा, होता क्या है, पौधे की जो ये रूट्स हैं, जब ये नर्सरी से आती हैं तो ये रूट्स, कौन सी रूट्स, ये मोटी नहीं, ये जो पतली हैं, ये जो फीडिंग रूट्स हैं, ये जो है आगे से सूखती है, आगे से अंदर की तरफ को ये सूखती है, और एक नहीं इसमें हजारों ऐसी जड़ें हैं जो टॉप से अंदर की तरफ सूखती है। अब आप सोचिए, हजारों जड़ें हैं और एक जड़ अगर आधा इंच सूखती है, आधे से भी आधा इंच अगर सूखती है, तो भी आप सोचे अगर इसमें 2000 इस तरह की जड़ें हैं, 5000 इस तरह की जड़ें हैं, तो रूट सिस्टम कितना सिकुड़ गया, यानी 2500 इंच जो है रूट सिस्टम सिकुड़ जाता है। अब जबकि ये जो रूट सिस्टम है इसका इतना, ये रूट सिस्टम इतनी बड़ी कैनोपी को पालने के लिए ठीक था, इतने मिनरल्स ये खींचता था, लेकिन अब जब नर्सरी से ये आया, ये बेर रूट आया, नंगी जड़ों के साथ आया, क्योंकि मिट्टी के साथ तो हमारे यहाँ आता नहीं है, जिसको पॉटेड प्लांट कहते हैं वो नहीं आता, बेर रूट आता है, तो उसमें जो है जड़ें सूखेंगी ही, इट मींस रूट सिस्टम जो है वो श्रिंक हो करके छोटा हो गया, इसके मिनरल अपटेक करने की क्षमता कम हो गई। तो इसलिए जितनी इसकी क्षमता कम हुई, उसी के हिसाब से हमें इसका भी साइज कम करना है, कैनोपी को भी हमें छोटा करना है। अगर इतना ही रखेंगे तो मिनरल्स कम अपटेक होंगे, ये स्ट्रेस में जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी प्रूनिंग करूंगा, इसको मैं ऐसे काटूंगा ताकि नीचे से अपटेक जो मिनरल्स होंगे वो इसके लिए काफ़ी हो। तो मुझे क्या करना है, जो फेदर्स हैं इनको लगभग 50 या 75% मुझे रखना है, बाकी काट देना है।
तो मैं बिना कुछ देखे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए, मैं इसके फैदर्स को ऐसे काट देता हूँ, ऐसे। और ये जो सेंट्रल लीडर है, यहाँ हमें क्या करना। हालांकि काफ़ी लोग क्या करेंगे कि यार इसमें ऊपर ये दो तीन फैदर है, लालच आएगा कि यार ये रहने देता हूँ, नीचे इसमें मैं नोचिंग से फैदर निकाल दूंगा। नोचिंग से आप फैदर निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो है जो एक्यूरेसी रेट है वो कम रहता है। आप इसमें अगर 20 नोचिंग करेंगे तो उसमें से चार निकलेगी, या चार निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी वो भी कोई गारंटी नहीं होती है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और आपके दिमाग पर उसका एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी, टेंशन नहीं लेने का। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका जो लास्ट फैदर है इससे मैं देखूँगा, ये जो सेंट्रल लीडर है इससे ऊपर मैं इसको लगभग यहां से काट दूंगा। यहां से काट के अब क्या होगा, ये यहां से इस बर्ड से दोबारा ग्रो करेगा, यहां से ग्रो करेगा, यहां से सेंट्रल लीडर निकलेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इससे नीचे 10 इंच तक ये जो बर्ड्स हैं ये सब फूटेंगे, यहां से नए फैदर्स निकलेंगे। इसका मतलब यहां पर भी मुझे फैदर मिलेंगे इस 10 इंच के एरिया में, और सेंट्रल लीडर ऊपर ग्रो करेगा। और इन फैदर्स को मैं साथ साथ ही ऐसा एंगल भी दूंगा 45 डिग्री का, यानी 45 से 60 डिग्री का एंगल मुझे उन फैदर्स को जून जुलाई में देना है, साथ साथ में उनको चेक करते भी रहना है। तो इसके ऊपर भी साथ साथ में बराबर फैदर्स निकलते रहेंगे, जो कि जुलाई तक मुझे एक बेस्ट प्लांट, वेल एस्टैब्लिश्ड प्लांट देगा। यहां पर मैं एक चीज और करने वाला हूं, आप शायद ना करें, यहां मैं क्या करने वाला हूं, इस बड के ऊपर मैंने कट लगाया, इसके सेकंड वाला जो बड है, यहां पर सेकंड बड इसका है, मैं प्लांट घुमा रहा हूं, ये पहला बड है, ये सेंट्रल लीडर बनेगा, ये दूसरा बड है, ये क्या करेगा, ये इसके साथ कंपटीशन करेगा। जैसे ये ऊपर को वर्टिकल ग्रो करेगा, इसके साथ ये भी वर्टिकल ग्रो करेगा, जिससे ये मजबूत, ये कमजोर हो जाएगा, ये मजबूत होगा। इसलिए मैं इसको साथ में ही रिमूव करने वाला हूं। 300 रुपए खर्च किए हैं ना प्लांट के लिए, इसलिए एक्स्ट्रा केयर तो करनी पड़ेगी। तो यहां पे कट लगाया, ये बड सेंट्रल लीडर बना, सेकंड बड कंपटीशन इसके साथ क्रिएट ना करे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि प्लांट जो है मैंने खूब पैसे दे करके खरीदा है, इसलिए मैंने सेकंड बड जो है समय रहते उसी वक्त ही रिमूव कर दिया जब मैंने पौधा लगाया था, जब मैंने कट लगाया था। तो अब यहाँ पर कंपटीशन का मैंने सीन ख़त्म कर दिया। अब नीचे को के जो बर्ड्स हैं ये जब इनिशिएट करेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ, तो उनका मुझे ध्यान रखना है, उनको मुझे एंगल शुरू से ही देना है, चाहे मैं क्लोथ पिन से करूं, चाहे मैं टूथपिक से करूं, जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपको अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। जल्दी करेंगे तो आप क्लोथ पिन यूज़ करेंगे, लेट हुए तो टूथपिक, और लेट हुए तो आपको लंबा डंडा, और लेट हुए तो आपको धागा लेना पड़ेगा, और लेट हुए तो आपको स्टेप रोल, और लेट हुए तो आपको इतना मोटा रस्सा, यानी 20 साल बाद अगर आप बेंडिंग करेंगे तो आपको इतना मोटा रस्सा लेना पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते ही प्लांट की ट्रेनिंग और प्रूनिंग अच्छी तरह से सही जानकारी के साथ किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता। आइए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर विप प्लांट है तो उसके साथ क्या करना। विप प्लांट यानी जिसमें कोई फेदर्स नहीं है, जिसमें कोई ब्रांचेज नहीं है, इस तरह के प्लांट को हम क्या करें। मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट है, ये विप प्लांट है, इसमें कोई फेदर नहीं है, तो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे रूट शूट का बैलेंस बनाने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 30 इंच ये जो घुटना है, घुटने से थोड़ा ऊपर मैं जो हूं इसको काट दूंगा, यहां से खत्म काम। और इसमें भी ठीक वैसे ही करना है, जो सेकंड बड है उसको साथ में रिमूव कर देना है। ये मैंने रिमूव कर दिया सेकंड बड, अब इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं होगा और ख़त्म। तो विप प्लांट की प्रूनिंग यहाँ पर ख़त्म होती है, फैदर प्लांट की मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो इस तरह से आप सही प्लांटिंग मटीरियल चूज़ करें। कैसे लगाना है, पौधा लगाना अपने आप में एक कला है, और पौधा जो है लगाना वो वैज्ञानिकता के साथ आप अगर लगाते हैं, साइंस के साथ अगर आप लगाते हैं, तो पौधे जितने आपने लगाए उनमें से ज़्यादा पौधे चलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि 100 में से 100 पौधे कैसे चलें, इसके लिए आपको पौधा लगाने की साइंस पता होनी चाहिए। तो इसी तरह की अगर आप डिटेल्ड जानकारी, कैसे पौधा लगाना, कैसे बगीचे को तैयार करना, कैसे फसल लेना, कैसे प्रूनिंग करना, कैसे पौधे की केयर करना, कैसे क्रॉप की केयर करना, कैसे बोरर इंसेक्ट पेस्ट से बचाना, ये सारी डिटेल्ड जानकारी अगर आप चाहते हैं, अगर आप बागवानी प्रोफेशनली करना चाहते हैं और आप अगर बागवानी को करियर के रूप में लेना चाहते हैं,
तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल कोर्स है, आप अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर बागवानी की पूरी जानकारी लेते हैं, जिसमें सैकड़ों बागवान भाई हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और अलग राज्यों से भी पहले ही एनरोल हुए हैं अपने अपने घरों में बैठ करके, जो बागवानी के आधुनिकतम तकनीकें सीख रहे हैं। तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी एनरोल करें। स्क्रीन के ऊपर हमारा फार्मर केयर नंबर 9888-6888-42 फ्लैश हो रहा है, इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप एनरोलमेंट यानी कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है इसकी जानकारी ले सकते हैं। और गूगल में www.jeewchaun.com पर जा करके भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको एडवांस में मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।